हरियाणा के अलग अलग जिलों में डेंगू मलेरिया के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसी के चलते जनरल अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइनें लग रही हैं। ऐसे में हरियाणा में सबसे ज्यादा डेंगू के मामले पंचकुला में सामने आ रहे हैं, जहां पंचकुला का हिमाचल प्रदेश के साथ लगता बॉर्डर का एरिया पूरी तरह से डेंगू की चपेट में है। यहां डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों के चलते पंचकुला पहले नंबर पर पहुंचा है, क्योंकि पंचकुला में 100 से ज्यादा डेंगू के कन्फर्म मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से पंचकुला के साथ साथ हरियाणा की सभी जिलों में टीमों को बनाकर ग्रॉस रूट लेवल पर सैंपलिंग करने और लोगों की ओर से स्टोर लिए गए पानी के लार्वा खत्म करने के लिए गुहा लगाई गई है।